अरुण जेटली की हेल्थ के बारे में कुछ जानकारियां सामने आई है। लंबे समय से बीमार चल रहे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की हालत गंभीर होती जा रही है। 66 वर्षीय जेटली पिछले हफ्ते से दिल्ली एम्स में आईसीयू में एडमिट है। खबर है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनका हालचाल पूछने के लिए अस्पताल जाने वाले हैं। जेटली को सांस की तकलीफ होने पर पिछले शुक्रवार 9 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट में बताया था कि उनकी हालत में सुधार है, लेकिन अब एक बार फिर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। डॉक्टरों की एक टीम जेटली की निगरानी कर रही है, जिसमें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट भी शामिल है। डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी हालत नाजुक है, लेकिन हीमोडायनामिकली स्थिर है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हीमोडायनामिकली स्थिर होने का अर्थ यह है कि मरीज का दिल ठीक तरीके से काम कर रहा है और शरीर में रक्त संचार सामान्य है। उसके बाद एम्स ने अभी तक जेटली के स्वास्थ्य के संबंधी कोई बुलेटिन जानकारी नहीं दी है। इन 8 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बाबा रामदेव सहित कई नेता उनसे मिलने एम्स पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भी कई बीजेपी और विपक्ष के नेता भी जेटली को मिलने गए थे। जेटली का स्वास्थ्य खराब होने से लोगों में बेचैनी पैदा हो गई। सोशल मीडिया पर लोग अरुण जेटली के लिए दुआएं मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों को डर है कि हो सकता है कि अरुण जेटली की हालत और गंभीर हो जाए। जेटली कई स्वास्थ्य स्थितियों से पीड़ित है, जिनमें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर भी शामिल है। अतिरिक्त वजन कम करने के लिए उन्होंने सितंबर 2014 में बेरिएट्रिक सर्जरी भी कराई थी। उन्होंने मई 2018 में एक किडनी भी ट्रांसप्लांट की है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली काफी समय से अस्वस्थ थे। किडनी संबंधी बीमारी से ग्रसित अरुण जेटली का पिछले साल मई में किडनी प्रत्यारोपण भी हुआ था, लेकिन किडनी के साथ साथ जेटली कैंसर से भी जूझ रहे हैं। उनके बायोपेन में सॉफ्ट टिश्यू कैंसर हो गया है, जिसकी सर्जरी के लिए जेटली इसी साल जनवरी में अमेरिका भी गए थे। वो सितंबर 2014 में डायबिटीज मैनेज के लिए गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करा चुके हैं। इसके अलावा वो साल 2005 में हार्ट सर्जरी भी करा चुके हैं। मोदी सरकार में दोबारा मंत्रिमंडल गठित होने दौरान जेटली ने एक पत्र लिखकर पीएम मोदी से मंत्रिमंडल में न शामिल होने का अनुरोध किया था। उन्होंने पत्र में लिखा कि मुझे मंत्री बनाने पर विचार न करें। आपको बता दें कि अरुण जेटली पिछले कई महीनों से सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा से पीड़ित है। यह एक तरह के कैंसर का प्रकार है और यह तब होता है जब कोशिकाएं डीएनए के भीतर विकसित होने लगती है। यह कोशिकाओं में ट्यूमर के रूप में विकसित होता है और शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने लगता है। यानी यह बीमारी शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है, खासकर व्यक्ति के कंधों और पैरों को अधिक प्रभावित करती है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है। सर्जरी के जरिए इसे निकाला जा सकता है। हालांकि रेडिएशन और कीमोथेरेपी के जरिए इसका इलाज संभव है, लेकिन यह इसके साइज, प्रकार और जगह पर निर्भर करता है। इस बीमारी को लेकर दुखद यह है कि इसके लक्षण शुरुआती चरण में नजर नहीं आते। किसी व्यक्ति को जब मांसपेशियों और नसों में तेज दर्द होने लगता है तो उसे सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों, फिलहाल तो अरुण जेटली की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। जैसे ही हमें और भी अपडेट्स मिलते हैं, हम सबसे पहले आप ही के साथ शेयर करेंगे। उसके लिए आपको सिंपली इस वीडियो को एक लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा स्पीड न्यूज को, ताकि जैसे ही अरुण जेटली के बारे में नई कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने आए तो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। बॉलीवुड की ऑफिशियल अपडेट्स, फिल्म क्रिटिक्स द्वारा दी गई नई जानकारी, ट्रेलर रिव्यू, मूवी रिव्यू, सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें स्पीडी न्यूज को और दबाइए बेल आइकॉन, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर पाए।